शुरू करें साहब। अब पेट तो भर गया, अब क्या? अगर मैनेजर ने टोपी पहनी तो ठीक है, नहीं तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। आइडिया तुम्हारा था, बर्तन तुम मांजना, मैं नैपकिन से पहुंच लूंगा। ठीक है, जल्दी चल भाई। स्पेशल क्राइम अधिकारी मिस्टर वाघमारे। हेलो सर। साहब खाना कैसा लगा? खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? सर अपनी रेपुटेशन है सर, सारा रेस्टोरेंट फुल रहता है, बिकॉज वी हैव ए गुड क्वालिटी एंड सर्विस सर, रेयर कॉम्बिनेशन। इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं। कैसे? आपने सुना है कि मार्केट में 50 के नकली नोट घूम फिर रहे हैं? हाँ सुना तो है सर। आपने चेक किया? जी वो दरअसल बात यह है कि फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ मैनेजर साहब कुछ 50 के नोट सैंपल के लिए दे दीजिए। ये लीजिए साहब। इतने ही है? हाँ। गुड। हवलदार जरा बाहर जाकर चेक करना कि गाड़ी आई है या नहीं। हाँ भक्तो। ये 24 नोट है। हाँ साहब। 100-100 के 12 नोट दे दो। अच्छा साहब जल्दी। अच्छा ये लीजिए 12 नोट। और ये लीजिए आपकी रिसीट, कल शाम को पुलिस स्टेशन आकर इंस्पेक्टर जैसे मिले। ओके सर। हवलदार खाने का बिल दे दो। ये लीजिए। पैसे देने की क्या जरूरत? साहब हिसाब है, 4 दिन का भूखा है, पनवेगड़ा मानूस किसी का खाया नहीं। ठीक है। नो रेस्ट डुप्लीकेट। ये लीजिए सर। जा तो साहिल। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं होटल मैनेजर हूँ। वो 50 के नोटों का क्या हुआ? 50 के नोट? कैसे 50 के नोट? कमाल है, अच्छा तरीका है। पहले पुलिस वाले आकर कहते हैं कि नकली नोट चल रहे हैं, और सैंपल के नाम पर नोट लिए और हजम। देखिए साहब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे जेब से भरने पड़ेंगे। अगर आपको हफ्ता ही लेना है तो मालिक से। शट अप। किसने लिया आपसे हफ्ता? आपके ऑफिसर ने। हमारे ऑफिसर ने? हाँ, मुझसे नोट लिए और कहा कि मैं चेकिंग करवा के लाता हूँ, और ये भी कहा कि मिस्टर जय से मिल लेना। क्या उन अफसरों को पहचानते हो? जी नहीं, दोनों इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों ही नए थे। यानी कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। अब बताइए, पुलिस वाले दुकान दुकान जाकर देखें कि बाजार में कितने नकली नोट छप रहे हैं। इट्स अ वेरी बैड वेरी सैड सिचुएशन इन द कंट्री सर। इस मुल्क के अंदर हर चीज नकली, जिस चीज को हाथ लगाओ वो ही नकली। यस हवलदार चकमा सिंह, आजकल तो पुलिस भी नकली होने लगी है। मैनेजर साहब एक काम कीजिए, आप मुझे सैंपल के लिए 10 50 50 के नोट दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितने नकली नोट से मार्केट में। थैंक यू। क्या है? मैनेजर ये नोट नहीं, पुलिस वाले नकली है। पिटेंगे पिटेंगे। ये नोट रख लीजिएगा। यस सर। और आइंदा संभाल के। ऑफिसर तुम यहां? आज तो मैंने कोई गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। जानता हूं, लेकिन आज आपके घर में कोई चोर घुस आया है।
और रियली? मगर ये तो आपका घर है राज साहब, कानून यहां से किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं रख सकती। आइए अंदर आइए। मेरे बारे में तुम हमेशा गलतफहमी का शिकार रहे हो ऑफिसर, इसलिए शायद ये इल्जाम लगा रहे हो। देखो मैं कानून का एक दोस्त हूं। वैसे कौन है ये चोर? आज छोटे छोटे जुर्म कर रहा है वो, कल शायद बड़े बड़े करेगा, खास करके आप जैसे बड़े भाई का हाथ हो उसके सर पर। ऑफिसर हाथ तो मैं तुम्हारे सर पर भी रख सकता हूं, मगर तुम मुझे बड़ा भाई मानोगे कब? खैर तुम्हारा अंदाजा मेरे बारे में गलत था। इसी की तलाश थी ना? थैंक यू मिस्टर राज। यू वेलकम। कोई बात नहीं ब्रदर, मैं इसे याद रखूंगा। देखा ऑफिसर, जब एक शरीफ आदमी कानून की मदद करता है तो उसे धमकियां सुननी पड़ती हैं। डोंट वरी, मैं इसे ऐसे कर दूंगा कि वो जिंदगी भर आपको आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और तुम भी ऑफिसर, जब भी इस घर की तरफ आंख उठाकर देखो तो वो नजर शक की नहीं भरोसे की होनी चाहिए। यहां साइन कर दीजिए। इसे कहते हैं तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना। जाइए सनी साहब, आपकी जमानत राज साहब ने दे दी है। चलो सनी। राज साहब एक मिनट, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कल आप ही ने मुझे गिरफ्तार करवाया और आज आप ही मेरी जमानत दे रहे हैं। कल कानून की मदद की थी, आज एक इंसान की मदद कर रहा हूं। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता तो है नहीं, ना तुम मेरे दोस्त हो ना भाई हो, फिर भी ऐसा लगा कि कहीं पुलिस के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। थैंक यू। अब थैंक यू के अलावा और क्या कह सकता हूं मैं? मुझे कुछ कहना है। कानून अपना दोस्त है, उससे भागो मत, गले लगा लो, फिर जहां से चाहो दबा लो, घुमा लो। बहुत ही लचीला है अपना कानून। एक बात मेरी भी सुनते जाओ सनी, हर उस्ताद द्रोणाचार्य नहीं होता। कुछ उस्ताद अंगूठे की बजाय गर्दन भी मांग लेते हैं गुरुदक्षिणा में। सलाह का शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, दोबारा हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। जिसकी उंगली पकड़कर तुम चल रहे हो सनी, उसके रास्ते यहीं आते हैं। हमारी मुलाकात बार बार होगी, मुझे यकीन है। इंस्पेक्टर जय, यह आग से खेलने का शौक कहां से पैदा हो गया तुम्हें? बार बार मौत से मिलने की ख्वाहिश अच्छी नहीं होती। ख्वाहिश तो सभी रखते हैं राज साहब, पूरी किसकी होती है ये वक्त बताएगा। क्या बात है, किसका तार है? मां का। सब ठीक तो है? गरीब के घर में सब ठीक हो तो गरीब कैसा लगता था? गरीबी के साथ साथ मायूसी, भूख और बीमारी, हमारे घर में तीनों है। मां जी को पैसा भेजना है? नहीं लखपत, मां जी को बॉम्बे लाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। बोल मां को कब लाना है, शहर के किस डॉक्टर को दिखाना है? लखपत ये हमारे पेट का नहीं, मेरी मां की जिंदगी का सवाल है। तुम तो ऐसे बात करो जैसे रात को छत पटेगी और दौलत गिरेगी। यार तू हर बार क्यों भूल जाता है लखपत की टोपी? आज तक सादी टोपी चल रही थी, अब चलेगी मखमल की टोपी। मैनेजर किधर गया? इधर हूं सर। शट अप। इस फटीचर डिस्को में लेकर आया मेरे को, मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर उस गधे को खिलाएगा? साला इडियट तो कोई नहीं है,
मेरे को गडेरा बोलता है? ये गधा? सर आप मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? तू सेक्रेटरी है या ये तबेले जैसे हॉल का मैनेजर? हाँ साला ऊपर से इधर झगड़ा करता है। सर आप प्लीज, आप प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं? शाहरुख खान और संजय दत्त क्या घिसे पिटे सड़े बदबूदार हॉल में शो करेंगे? एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। माना कि शाहरुख हमारे साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिली डंडा खेलता था, फिरोज शाह कोटला में कबड्डी खेलता था, लाल किले पर पतंग उड़ाता था। जिंदगी खेलता था तो हीरो कब बना? अरे सर्कस में काम करके। लेकिन मुझसे पूछेगा ना कि भाई शो किधर है, मैं क्या बोलूंगा? तबेले में? एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। सर इस तबेलों को चेंज किया जा सकता है, दीवारों पर पेंट किया जा सकता है, कुर्सियों का कपड़ा चेंज किया जा सकता है। अरे खर्चा कौन देगा? मैं देगा, एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। पोस्टर कौन छापेगा? मैं छापेगा, एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। पेपर में ऐड कौन देगा? मैं सर, जो इस थिएटर के अंदर शो करेगा। इतना बड़ा शो शाहरुख खान और संजय दत्त का, क्या वो पेपर में ऐड नहीं देगा? कौन? मैं देगा। मेरे को माफ करना। कोई माफ नहीं करना। अरे भाई इस तबेले में शो करने के लिए 25,000 का एडवांस कौन देगा? मैं देगा। एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज, माफ कीजिएगा। वो बिल्कुल माफ नहीं करेगा। चला तुम दोनों ने हमको गधेरा बोला, हमारे थिएटर को भैंस का तबेला बोला, ऊपर से बोलते हैं माफ कर दिया, नहीं करेगा। लेकिन शाहरुख खान दीवाना, संजय दत्त खलनायक का शो हमारे थिएटर के अंदर होना मांगता है। सुपरहिट शो। डॉक्टर साहब, कम इन सनी। बैठिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी माँ है। हेलो, नमस्ते। इनका चेकअप करवा दीजिएगा प्लीज। फाइन। अब आपकी रिहाई में कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूं। कोई इकबाल, एक तुम ही तो रह गए हो कहने और सुनने वाले, कहो। मैं कह रहा था कि धूल डालिए पुरानी बातों पर, परायों की जान लेते हैं तो अपनों की जान भी तो गंवानी पड़ती है। बस यहां से निकलकर मालकिन और छोटे बाबा के साथ चैन की जिंदगी गुजारी। नहीं इकबाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अरे हमने वक्त के मरहम को भी अपने जख्मों को भरने की इजाजत नहीं दी। आज तक कुरेद कुरेद कर हरा रखा उनको, ताकि उनका इलाज, उनका इलाज होगा तो अपने बेटे के कातलों के खून से होगा, सिर्फ अपने बेटों के कातलों के खून से।